आप सन्यासी लोग अगर एक हाथ में माला लिए रहेंगे तो दूसरे में भाला लेंगे और गले में आला लेंगे, तो जब तीन प्रकार से तुम्हारा उच्चार करेंगे तो क्या दशा होगी उसको टीएमसी की महोदया जो है ममता जी अच्छे से भरी भांति समझ लें। अभी भी समय है, सचेत हो जाओ। भारत सनातन का, संस्कृति का, संस्कार का देश रहा है। भारत कभी वामपंथ नहीं रहा है। भारत जाना गया है तो रामकृष्ण के कारण जाना गया है। भारत जाना गया है करपात्र इत्यादि जैसे महापुरुष हुए हैं उनके कारण जाना गया है। भारत किसी अंग्रेजों के कारण नहीं जाना गया है। भारत ने देखिए, मुगल आए, अंग्रेज आए, यहूदी आए, कितने लोग आए, कितना आक्रमण किए, कितना आतंक फैलाए, लेकिन क्या सनातनियों ने अपना एक भी धर्म छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्योंकि महाराज हम कटेंगे, मरेंगे, लेकिन अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाने। और राम सहज नहीं है, राम सहज नहीं है। राम, ममता जी सुन लो, राम है क्या? वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्मा। और राम है क्या? राम स्वर्ग, राम मोक्ष, राम परम साध्य है, राम जीव, राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। और आप कहोगे सनातन, सनातन तुम्हारा इतना छुड़ है, इतना छुड़ है कि जो जिसके कारण 500 वर्षों तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। बाबरी मस्जिद का पक्षकार इकबाल अंसारी, हमने महाराज उसको भी निमंत्रण दिया है। ये हमारी सहानुभूति है। ये नहीं आएंगे, आना उनकी काम है, लेकिन निमंत्रण देना कितनी बड़ी बात है। इन्हीं के कारण जिस तट पे आप खड़े हो, ये रक्त रंजित हो गया था, सरजू जी रक्त से लाल हो गई थी, सामान्य बात नहीं है, उनके कारण ऐसा हुआ था। अगर मान लेते कि यही सत्य है, बाबर मेरा पूर्वज नहीं है, मेरे पूर्वज राम है, तो आज शायद हमें इतना संघर्ष ना करना पड़ता। संघर्ष के बावजूद भी हम लोग राम के आदर्श पर चलते हैं कि जब सभीत आवा शरणाई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि राम जी ने कहा शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकति हान। ये बात तो अपने स्थान पे है। कहना चाहूंगा महोदय, विपक्ष के लोग जान लें, हम लोग शरण में आए हुए महाराज, मुसलमान की बात कहा, मुसलमान आए, अरे रसखान बन करके आए और इस अयोध्या की सुंदर कला को बिखेरे। अपने शब्दों में कहे, रसखान बन करके आए, अब्दुल हमीद बन करके आए, रहीम बन करके आए, और कहे या छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। महाराज हृदय चीर करके, गले लगा करके स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा, पलकों पर बैठाऊंगा, लेकिन तुम आओ तो। सनातन इतना छुड़ है कि ये बड़प्पन जानता है, एक लाइन चार लाइन की कविता प्रस्तुत करूंगा। बड़प्पन में क्षमा का गुण देखना ही देवता की निशानी है, अरे पीर सहकर भी प्रेम करना यही आदत पुरानी है, और गरीबों की दुआओं से ही जिनका पेट भरता है, महापुरुषों के जीवन की यही सच्ची कहानी है, यही सच्ची कहानी है। ये है कि पहले मंदिर को नौटंकी बताती हैं और अब मारपीट हो रही है, उस पर भी कोई वक्तव्य नहीं साधुओं के साथ नहीं, मंदिर को नौटंकी बताएंगे, कहेंगे मंदिर पे अस्पताल बन जाए। मैं पूछना चाहूंगा ममता जी, जिन चंद ओटों के लिए आप यहाँ पर आना स्वीकार नहीं कर रही हो निमंत्रण को, तो आप बता दो सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उस वक्फ बोर्ड पे जाकर के अस्पताल बनवा दो, और जो कुछ बनवाना हो बनवा दो। क्या मंदिर पे तुमको दिखता है? अगर मंदिर दिखता है, महाराज यही मंदिर ना होता, आज भारत की इकोनॉमिक्स कहाँ जाती, अर्थव्यवस्था कहाँ जाती, सोच लो। ये तमाम सनातनी चंदा देते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, तो लेता कौन है? सरकार। मैं चैलेंज के साथ तमाम सरकारों को कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस कानून को ध्वस्त करो, और ये कानून छोड़ करके आप ऐसा कानून बनाओ कि ये सनातन का जो पैसा है, मंदिर का पैसा है, ये सनातन में ही रहे, गौशाला बने, गुरुकुल बने, तब संस्कृति देखो, तब पता लगेगा तुम कहाँ गए। किसी मस्जिद का पैसा किसी के पास नहीं जाता है, और मंदिरों का पैसा तुम सरकारी तंत्र बना करके लेते हो, क्यों लेते हो? हिम्मत है मत लो, पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। महोदय बार बार पहले भी इस तरह की हरकत हुई थी, पहले भी साधुओं को वह मारा गया था, इस बार फिर जो है अब मंदिर बन रहा है, उसके बाद भी यही हरकत होना कहां तक उचित है, और संत समाज में कितना रोष है? नहीं, रोष का मतलब देखिए, संत जब अपने पे आएगा तो क्या होगा आप समझ लो। महाराज आवश्यकता पड़ेगी तो हम दधीची बनेंगे और इंद्र का वज्र बन करके तुम्हारा संहार कर देंगे। आवश्यकता बनेगी चंद्रगुप्त मौर्य बनेंगे और हजारों हजारों चाणक्य पैदा करके विध्वंस कर देंगे। पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में हम लोग, अब लाठी की मार नहीं होगी, गोली की मार नहीं होगी, अब तमाम सनातनी जागा है तो अयोध्या का परिणाम आपने देखा, तमाम सनातनी जागा है तो महाकालेश्वर कॉरिडोर देखा, तमाम सनातनी जागा है बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देखा, तमाम सनातनी जागेगा
तो मथुरा और काशी भी देख लोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। ये सनातनी के जागने का परिणाम है। तमाम सनातनियों से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, पूर्वजों, आप लोग जागे तो आज यह परिणाम मिल रहा है। जातियों में मत बटो, मजहब में मत बटो, राजनेताओं के कहने पर मत बटो, क्योंकि आप लोग ठानो कि चाहे पंथ अनेक हो लेकिन हम सब हिंदू एक हो। हमारे विचारधारे अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात मत और मजहब की आएगी, अर्थात हमारे घर के ऊपर कोई आक्षेप करेगा तो महाराज हम बाहर निकलेंगे और तुम्हारे आंख से तुम्हारी पुतली तक निकाल लेंगे, लेंस निकाल लेंगे। ये क्षमता रखो, तभी भारत अक्षुण बनेगा, तभी सनातन अक्षुण बनेगा। नौटंकी की बात होती है, कहते हैं कि काम, विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं कर पा रहे थे तो आनंद फानंद में मंदिर बना दिया, जल्दीबाजी में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। महाराज विपक्ष की क्या दशा बताएं आपको, मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा था, नाम भी बता दूंगा, प्रमाण भी दे दूंगा, आवश्यकता पड़ेगी। किस विपक्ष की आप बात करते हैं? कांग्रेस विपक्ष में लीजिए उसका उत्तर। महाराज कांग्रेस निमंत्रण ठुकरा दिया, ये नई बात नहीं है, इनके पूर्वज में जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्ति मिली थी, विग्रह मिली थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंत जी थे और उस समय फैजाबाद जिला था और इस फैजाबाद जिले के डीएम के नायर जी थे। तो जब जैसे जवाहरलाल नेहरू को पता लगा कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिल गई है, कहा ये तो सबसे बड़ा दिमाग का हिटक है मेरे, जल्दी से इसको दूर करो। पंत जी को पत्र लिखा कि वहां पर कह दो, डीएम से कह दे कोई मूर्तियां मिली ही नहीं है, तमाम सनातनियों के साथ विश्वासघात कर दो। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, आज जिस लोक में हो पंत जी, उनको यहीं से मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा। वाह रे महापुरुष, उसने कहा डीएम का पत्र है या जाए, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तमाम हिंदुओं के साथ, तमाम सनातनियों के साथ और तो और मेरे राम के साथ मैं छल नहीं कर सकता हूं। राम है, राम है, राम रहेंगे। और उसने कहा कि राम यहीं पर रहेंगे। इसी बात को लेकर के अंत में उनको डीएम पद से बहिष्कृत कर दिया गया और जाकर के मुकदमा भी लड़े, बाद में जाके चुनाव लड़े, चुनाव भी जीत गए। तो भैया ये राम मंदिर उनकी है जिनके पिता और पूर्वज की करतूतें ऐसी हो, अगर उसके बेटे और उसके वंश के लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उसमें सोचिए क्या उनकी दीनता। आज के और आज वही कांग्रेस कह रही है कि हम तो समर्थन में थे और आज अगर हमारी सरकार होती, हमारा कोर्ट का फैसला हमारी सरकार में आ गया होता तो हम भी भव्य दिव्य मंदिर बनवाए। उनके पास ऑप्शन है ना, लो लो भैया मथुरा और काशी। किसी के मुख से, किसी पार्टी के मुख से निकल जाए कि मैं मथुरा बनवाऊंगा, मैं काशी बनवाऊंगा, ये नहीं निकल रहा है। जो हो गया उसके लिए, अब बीजेपी के मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मुझे कुछ दिया है, मेरे आराध्य को दिया है, तो धन्यवाद रूप में दो शब्द तो कहूंगा ही। महाराज कलंक की बात छोड़ो, आरोप की बात छोड़ो, क्योंकि आसमान पर भी काला बादल छाया। अरे आज तक इस दुनिया में कौन निष्कलंकित रह पाया? भगवान जिसको कहती है ये दुनिया, इसी दुनिया ने भगवान को भी कलंक लगाया। लेकिन पर भरोसा था मुझे उस ईश्वर पर जिसने सदा सर्वदा मेरे धर्म की जीत कराया और भार्गवानंद ने उनके चरणों में इसी गुण पर बारंबार से झुकाया, बारंबार से झुकाया। महोदय विपक्ष की बात कहां तक करोगे, ये वही कांग्रेसी हैं। मैं कहना चाहूंगा आज भी समय है, आ जाओ शरण में। बीजेपी की बात, बीजेपी का फुल फॉर्म सुनो वर्तमान परिवेश में। बी माने बाईस, जे माने जनवरी, पी माने प्राण प्रतिष्ठा, वही तो है बीजेपी, वही तो है बीजेपी। अरे जिसने दशकों से अपने राज सत्ता का चिंता ना करते हुए, राज सत्ता का चिंतन ना करते हुए, महाराज अटल जी इसी घाट पर आए थे, शमशान घाट था, परमहंस जी की चिता जल रही थी और यहीं पर खड़ा होकर के उस महापुरुष ने कहा था कि मैं आज तमाम साधुओं के सामने कहना चाहूंगा, एक दिन मेरी सरकार का कोई महापुरुष आएगा और इसी घाट पर मैं खड़ा होकर के कह रहा हूं कि राम मंदिर बना करके रहेगा। आज उस महापुरुष की बात चरितार्थ हुई, पूज्य देवराह बाबा ने कहा था कि मंदिर बनेगा, सर्वसंपत्ति से बनेगा, आज उन महापुरुष की बात सत्यार्थ हुई। तो आप कहां तक जाओगे और बीजेपी की बात करोगे? बा माने व्रत, जा माने जाप, पा माने पाठ। जो व्रत जाप पाठ में विश्वास रखता हो वही तो बीजेपी है, तुमको लगता है वोट के लिए है, लेकिन महाराज वोट छोड़ो, अरे तुम भी कोई काम करो तो वोट लो, काम करोगे नहीं, रोजगार कहीं मंदिर से रोजगार पैदा हो रहा है। सवाल यही हो रहा है, मंदिर से जो है रोजगार जा रहा है, मिल क्या रहा है? किस सरकार में हिम्मत थी आज तक किसी को रोजगार दे दिया था? अगर रोजगार दे दिए होते तो आज कुछ दिनों से बीजेपी की सरकार है, कुछ वर्षों से है, आज तक क्यों बेरोजगार सब घूम रहे थे? क्या उनको चांस नहीं मिला था मंदिर से रोजगार? सुनिए महोदय, मैं गया हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, फूल लेने के लिए, फूल की
की दुकान पर गया, पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल हमीद है। हमने कहा ठीक है भैया धन्यवाद, और आगे बढ़ा, गया लड्डू लिया। हमने कहा भैया तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम चंद्रशेखर मौर्य है। और आगे बढ़ा, कहा भैया यहाँ पर राम देखिए सभी वर्ण के हैं, सभी जाति के हैं, राम तो लोक रीत के प्रीत है भाई, राम सीधी सभी के मत के हैं, मजहब के हैं, क्योंकि वही राम को अगर रावण को मारना होता शायद इसी अयोध्या में बैठ करके रावण का वध कर देते, लेकिन दर्शन देना था उस सबरी को, दर्शन देना था उस केवट को, दर्शन देना था उस निषाद को, दर्शन देना था उस तिक्षण को, दर्शन देना था उस जटायु को, तो राम इनके लिए बन गए थे, रावण को मारने के लिए नहीं गए थे। रावण को मारना होता तो यहीं से मार देते। राम ने समस्त मत मतहब को जोड़ा है बंधु, कहां तक राम की बात कहूंगा। कहने का मतलब सनातनी, सनातन का मतलब जो सत्य है, जो शाश्वत है, हाँ, जो बना है, जो अचूर है, जिसका आज न पता हो, ना अंत पता हो, ना मध्य पता हो, वही तो सनातन है, भविष्य न भविष्य, हाँ यही वही सनातन है भैया, और सनातन चला रहा है। कहां तक नकारोगे? अरे आप तुम सोचो कि मैं वैज्ञानिक बन गया, वाल्मीकि रामायण कितने पहले रचना की गई थी, उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है बाल कांड के श्लोक में है, रामचरितमानस में भी है, मंदे शुद्ध विज्ञानो कविश्वरो कपीश्वरो, ये विज्ञान की चर्चा थोड़े है। अगर तुम कहो विज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं तो सनातन को कभी नहीं पा पाओगे। आज तुम हवाई जहाज उड़ाते हो, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि उड़ाते हो, पहले हमारा पुष्पक विमान उड़ा करता था, हमारा स्वेच्छा से चलता था और एक सीट हमेशा खाली रहती थी। आज मोबाइल से भी लोग घर में बैठे हुए दूसरे के भाव भंगिमा को नहीं पढ़ पा रहे हैं। पहले लोग मन से मन की बात जान लिया करते थे, कोई काम इधर होता था तो उधर तत्काल पता लग जाता था कैसा होने वाला है। कहां तक जाओगे महाराज? सनातन की, सनातन के विषय में कोई हिम्मत नहीं है कि इसको लेस मात अंश भी छू सके। साधुओं के संग मारपीट की गई पश्चिम बंगाल में, किस तरह से देखते हैं हम बताइए महाराज जी। आज अब उन्होंने तो पूरी पटकथा खोल के रख दी, बहुत सुंदर तरीके से बात कही गई, लेकिन आज भी ये बर्बरता साधुओं के साथ होगी तो क्या संत समाज बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है, सन्यासियों की एक हद है, नागर सन्यासी जो है ना उसमें ऐसा है कि एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला भी है, तो समय आने पर उसका जवाब भी दिया जाएगा, है ना। कैसे देखते हैं आप इस बर्बरतापूर्ण जगह को? बोला बराबर, दोबारा आता हूं आपके साथ। सवाल ये है कि किस तरह से आज इस पश्चिम बंगाल के प्रकरण को आप देख रहे हैं? विपक्ष या विदर्भी चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी अपनी ताकत लगा ले, लेकिन एक बात सही है, राम मंदिर बनना शुरू हो गया था, राम मंदिर बनना शुरू है और राम मंदिर आगे भी बढ़ेगा। क्यों इस तरीके की हरकत हो रही है बाबा, आपको क्यों लगता है? जो जो भी करना चाहे वो कर ले, लेकिन जो हम काम हम करने निकले हैं वो काम हो के ही रहेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो लगातार इस तरह की जब बात होती है, हिंदू वर्ग की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, और हिंदू राष्ट्र की जो है वो संत जो है वो परिकल्पना करते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि हिंदू राष्ट्र जो है हमारे रहते नहीं बन। महाराज परिकल्पना क्या करना है, भारत हिंदू राष्ट्र है, परिकल्पना करने की बात नहीं है इसमें, हिंदू राष्ट्र था है और रहेगा, इसमें परिकल्पना की कहां बात आई। तमाम सनातन जिस दिन अपने सामने हिंदू राष्ट्र लिखना प्रारंभ कर दे तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कोई घोषणा करे कि हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है। हम लिखेंगे, सनातनी लिखेंगे, कौन रोकेगा? हम स्वयं होते हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, वो जब घोषित कर दिए तो घोषित कर दिए। अरे संविधान की बात करोगे, बाबा साहब ने संविधान की रचना की, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर इन्हीं भगवान श्री सीताराम जी की विग्रह विद्यमान है। अगर बाबा राव साहब सनातन विरोधी होते तो वह विग्रह आज विद्यमान न होती संविधान के पृष्ठ पर। मतलब सवाल ये आता है कि ये लोग कहते हैं कि आप लोग डरा के रख रहे हैं, एक एक करके मस्जिद जो है उनकी छीन ले रहे हैं, जो है अधर्म की बार रास्ते बचा रहे हैं। अगर डराना लग रहा हो, हम लोग व्यासपीठ पर बैठते हैं और लास्ट में कथा बोलने के बाद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भागवेत्। यह श्लोक आपको डराने का लगता है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह श्लोक आपको डराने का लगता है? अरे हम सर तन से जुदा नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं उदार चरित नाम तू वसुधैव कुटुंबकम्, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। हम एक को सुखी होने की बात नहीं करते हैं, हम ये नहीं कहते जो शराब पी रहा है वो सुखी ना हो। हमारे रामचरितमानस में देखिए, गीध यधम खल अरे आमिस भोगी औ गति दीनी जो जाचत जोगी, गीध यधम खल।
और यहाँ गेध को तारा गया। शायद दशरथ को वो गति नहीं मिली जो गति जटायु को मिल गई। क्यों? दशरथ जी ने कहा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, और राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर हर रघुवर विराह राऊ गए सुरधाम। महाराज लेकिन जटायु तो मरा भगवान राम की गोद में, दशरथ जी को वो गति नहीं मिली जो गति गिद्धराज जटायु को मिल गई। ये सनातन है, हम लोग जब सर्वे भवंति की परिकल्पना करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि विरोधी का कल्याण ना हो, हम ये नहीं कहते हैं कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सर्वे पश्यन्तु निरामयः सभी निरोगी हो, इसकी बात करने वाला अगर मुझे लगता है कोई है तो वो देश में सनातन है और सनातनी है, और कहीं पर ये नारा नहीं लगी दिखाई। और राम और कृष्ण कहना चाहूंगा, राम कृष्ण दो एक है अरे अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। अब एक भजन के माध्यम से वाणी को विराम दूंगा। मैं ओवैसी पे पहले आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। देखिए ओवैसी कह रहे हैं कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी को बताएंगे कि जो है यहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, और अगर मौका लगा तो सरकार में अगर कभी आए तो कुछ परिकल्पना भी चेंज हो सकती है। ओवैसी की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। हाँ। वो वहीं पर हैदराबाद से चा 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 करता रहे, उसको कौन सुन रहा है कौन मान रहा है। अरे जब इकबाल जी आ गए, यहाँ के खान साहब नेता है, वो भी आकर के कह रहे हैं कि हमारा राम मंदिर पूर्वजों की धरोहर है, बाबर की नहीं है। ओवैसी को हम लोग कुछ मानते ही नहीं है। वो ऐसे पकने वाला व्यक्ति है, उसको यूं मान लो जितना वो बोलेगा उतना अपना नुकसान करेगा, बीजेपी का फायदा करेगा। लेकिन सनातन की बात कर रहा है ना, कह रहे कि मैं अपनी पीढ़ियों को बताऊंगा। अच्छा हमें ये बताइए आप, उस समय जब राम जी थे उस समय माँ मारीच थे, रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, बहुत दिनों से आतंक मचा के रखा था, क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? अभी वो वैसे ही चलते रहे, ऐसे बढ़ते रहे क्योंकि सनातन मौका देता है सुधरने का, अभी उनको सुधरने का ही मौका दिया जा रहा है, तो सोच रहे हैं ऐसे ही है, जब अवसर आएगा तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा वैसे की कोई हैसियत में अपनी नजर में उसका। तो आपके माध्यम से आपने नाम मुकसवा दिया मेरे मुख से, आप बड़े दिमागदार पत्रकार हैं, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में वो भारत का कोई अंश है ही नहीं, वो केवल एक अराजक तत्व है। आप कुछ चौपाई से बात को विराम देना? नहीं, विराम एक भजन से देना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या के तट पर हैं तमाम सनातनी बैठे हुए हैं, सब आवाज सुन रहे हैं। हम लोग परिकल्पना करते हैं भगवान राम से, अरे अब भगवान से कहेंगे आज मुझे आप ले चलो अपने धाम पर, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अरे सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये संत समाज में रोष है, पश्चिम बंगाल में हुई बर्बरतापूर्ण हरकत का संत समाज ने विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि सनातन पर अगर कुछ आँच आएगी तो साधुओं को दोबारा से एक हाथ में भाला और दूसरे में माला उठाने में समय नहीं लगेगा।